जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में तैनात पंजाब के अजनाला के रहने वाले जवान हरवंत सिंह का अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बता दें, शहीद हरवंत सिंह 8 ट्रेनिंग फतेहपुर बटालियन में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। ड्यूटी में तैनाती के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। आज जब शहीद का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा तो पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। इस मौके पर शहीद नायक हरवंत सिंह के भाई ने कहा कि वो एक सैनिक हैं और उनके पिता भी सेना में थे। उन्होंने कहा कि शहीद नायक हरवंत सिंह उनके भाई थे और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा हरवंत सिंह उन्हें समझाते थे कि अपना कर्तव्य बहुत सावधानी से करना है। मेरा वीर पहलवान सी कबड्डी दा, एट सिखलाई दा, मेरा वीर पहलवान सी, सारी जुंड शिफ्ट कर दी आ। मेरा वीर इदा ही अटैक होके मर गया, पता ही नहीं लगा मेरे वीर नू की हो गया। अयो मेरा बब्बर शेर ही वीर ही, दोवें भरा इकट्ठे चलाने चलते सीगे। मेरे वीर दे अड़े अड़े तगड़े डौले सी, मेरे वीर नू पता नहीं की हो गया, जानकी आउट पास आया सी, आउट पास आया सीगा मेरा वीर, शनि एतवार आउट पास आया सी। अपने मुंडे का मिल के गया, उन्होंने कहना मैं वो तेंदुआ कटा वा, तो मेरे ना गल की वीर आता इतने ध्यान ना रवी, इतने खतरा बड़ा ही, इतने आपका पता ही नहीं वीर मेरे ने पहला चल जाना आ। मैनू कहना इतने नजारे खतरा बड़ा ही, जिते तेरी जूंटिया आंदा मैं इतने रह के गया वा, बड़ा फैर आंदा इतने। मेरे ना शनि एतवार हुई मेरे ना गल, मैनू कहना इतने ध्यान ना रही, मेरे ना ध्यान ना रही, कहता यह भी इतने खतरा बड़ा नशारे, कहता ये तो मैं जुंट च रह के गया, इतने बहुत फैर आ। मैनू कहता ध्यान ना रही, इतने आपका पता ही नहीं मेरा वीर चल गया, मेरा वीर देश लिए शहीद होया वा, मैनू फकर आ, मेरे पूरे परिवार को फकर आ, मेरा देश भी शहीद होया, मेरा वीर, मेरा डैडी भी फौजी सीगा, डैडी मेरे भी फौजी सके, मैं भी फौजी हाँ, मेरी 3 सिखलाई जुंट आ, मेरे वीर न पूरा गर्व आ, देश दे पूरा मेरे परिवार नु गर्व है। इस मौके पर शहीद हरवंत सिंह की मां ने कहा कि उन्हें बहुत गर्व है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। उनकी मां ने रोते रोते बताया, जब आखिरी बार हरवंत सिंह से बात हुई थी तो वो बिल्कुल ठीक थे। मेरे पोत ने सीधी लई जो कितना चिर हो गया, बहुत चपती की 3 साल सारे रह गए हो सर, खत्म ही सुन रहा सर। वहीं शहीद की पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल है और रोते रोते भगवान से अपने पति के वापस जिंदा होने की वो दुआ कर रही है। बता दें, जवान अपने पीछे एक मासूम छोड़ गए हैं जिसने अभी बोलना तक नहीं सीखा। मैंनू मेरा साहब चाहे ना, मैं कुछ नहीं मांगती, मैंनू कुछ नहीं चाहे ना। मुंडा कथे आ वीर दा, मुंडा वीर दा आखिरी टाइम तो दी कोई गल बात होगी। फकर ते बड़ा महसूस होया। इस मौके पर जवान गुरप्रीत सिंह का कहना है कि उनके साथी जवान की ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। जवान का कहना है कि उन्हें अपने सहकर्मी पर गर्व है और कहा कि उनकी यूनिट का अपूर्णीय क्षति हुई है। ये जवान 8 सिखलाई फतेहपुर बटालियन का जवान आ, तकरीबन साड़ी यूनिट सांबा डिप्लॉय, तो कल 5 बजे की मतलब खबर मिली कि ड्यूटी के दौरान गिर गया, डिग्गन तो बाद हॉस्पिटल लैके कि डॉक्टर ने डेड कर दिया। कारण पता लगा की कारण कुछ नहीं, मतलब हार्ट अटैक की तकरीबन 10-11 साल नौकरी है, और बिहेवियर तो बहुत ही ये जवान फौज में आने अगे तो मुश्किल ही है। अजकल तो तुम्हें पता वैसे भी अग्नि प्रथा चल गई है, पर इस तरह के मोटिवेटेड जवान बहुत ही घट मिलते हैं। बहुत ही एक तगड़ा प्लेयर भी, रैसलर भी, बॉक्सर भी, बहुत ही वधिया ड्यूटी पाई गई थी,
और बहुत वधिया जवान ही, बड़ा इमानदार बंदा है। एक देश नूं घाटा पिया, बहुत वड्डी देश नूं ते पिया ही पिया, साडी यूनिट नूं बहुत वड्डा घाटा पिया इसदा, कि इस तरह के जवान अगे तो सानूं शायद ना ही मिलन। जिवें देखदे कि इहदे पिता भी फौज ही ते इक छोटा भरा भी फौज, आप भी फौज, सारा परिवार ही जी। किवें देखदे सारे परिवार की सेवा? बाकी जो भी हुण कर रहे अपना सरकार ना, जो भी अपना इन्हों का बंदा वो दवाया जाऊगा जो भी है। आपको बताएं कि आतंकी जम्मू में दहशत फैलाने की साजिश लगातार रच रहे हैं। इसके साथ ही आतंकी कश्मीर रीजन में भी अपनी घुसपैठ की फिराक में है। आए दिन जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर जवान चौकन्ना है, बड़े पारे और तेज गर्मी में भी तैनात है। ऐसे में भारी गर्मी में तैनाती के दौरान जवान हरवंत सिंह शहीद हो गए। टीवी 9 पंजाब शहीद को नमन करता है और हमारे जवानों को हर स्थिति में सुरक्षा देने और तत्परता से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए शत शत नमन भी।